अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लर्निंग एंड्रॉयड लेआउट। सही है। अब लर्निंग एंड्रॉयड लेआउट्स पे आने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को आइडिया हो कि व्हाई वी वांट टू लर्न एंड्रॉयड लेआउट्स। हम लेआउट्स पे कैसे काम करते हैं, क्यों लेआउट्स की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके डिसएडवांटेज से शुरू करें। तो उसके लिए हम एक बेसिक कैलकुलेटर की ऐप बनाएंगे जिसमें पूरी लेआउट आपको डिज़ाइन करेंगे, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम टैग्स के थ्रू लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कैलकुलेटर ऐप एंड लेट मी ओपन माय एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, दिस इज द एंड्रॉयड स्टूडियो। और सबसे पहले आपको हमेशा की तरह क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बाद आप एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ बेसिक ऐप। और हम यहाँ पे हम क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक लेवल का कैलकुलेटर बनाने हैं, लेट मी नेम एज माई बेसिक कैलकुलेटर, माई बेसिक कैल्क। देन कॉटलिन यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई एज अ लैंग्वेज। ये मेरा प्रोग्राम, ये विंडो आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहला काम, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट यहाँ मेंशन है इसको ज़रा एक्सपेंड करें। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके सेकंड ऑप्शन में मॉड्यूल बेसिक कैल्क डॉट ऐप है, यहाँ आपको डबल क्लिक करके इसमें आना है। एज यू नो इन द अर्लियर लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ वो सारे प्लगइन्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं, जो हमें आगे सपोर्ट करते हैं अपनी, जब हम कॉटलन की फाइल लिख रहे होते हैं तो यहाँ या आपको थ्री प्लगइन्स ऐड करते हैं। ठीक है, ये तीनों प्लगइन्स आप ऐड करने की वजह क्या है और ये तीनों प्लगइन्स आप कहाँ से लेंगे, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहाँ आपको सारा कोड और सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ये तीनों प्लगइन्स मैं इसलिए ले रही हूँ कि मेरी कॉटलन फाइल को ये हेल्प प्रोवाइड करें कि मुझे डेलिब्रेटली जो भी मैं बटन लूँ या जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँ उसको फाइंड बाय आईडी ना करवाना पड़े। ये जब ये प्लगइन्स मैं ऐड कर दूंगी तो जस्ट मैं सिंपली ये लिखूंगी कि रिसोर्स में जाके जो भी मेरी रिसोर्सेस हैं, वहाँ जो मेरी लेआउट है, एक्टिविटी अंडरस्कोर एग्जाम्पल, वहाँ जो भी बटन्स हैं, जो भी टेक्स्ट है, वो मैं एक्सेस कर सकूँ। तो उसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए मैंने ये तीनों प्लगइन्स लिखे हैं। अगर मैंने तीनों प्लगइन्स नहीं लिखी तो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल में जो भी बटन्स या टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको अपनी कॉटलिन की फाइल में एक्सेस नहीं कर पाती और मुझे पूरा एक इसके लिए कोड लिखना पड़ता कि हर बटन को वो फाइंड बाय आईडी करे। ठीक है, तो इन प्लगइन्स को ऐड करने के बाद अगर मैं आगे मूव हो जाऊँ तो कोई भी फायदा नहीं है इनको ऐड करने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिंक चलाएं ताकि ये इस ग्रेडल स्क्रिप्ट के साथ सिंक हो जाए। वो कैसे होगा, यहाँ आपके पास ये जो मेंशन है सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स, उसको आप चला देंगे। जैसे आप उसको चलाएंगे तो आपके पास लिखने यहाँ पे एक बार चलेगा कि ग्रेडल बिल्ड इज अंडर प्रोग्रेस और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा एट द एंड ग्रेडल सिंक फिनिश्ड इन 3 सेकेंड्स वट एवर द टाइम। तो इट मीन्स कि सिंक चल गया और अब ये आपके प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गए तीनों प्लगइन्स। ठीक है, तो पहला काम तो हमने कर दिया कि हमने 3 प्लगइन्स ऐड कर दिए है। देन नेक्स्ट हम फाइनली अपनी एग्जाम्पल फाइल पे आएंगे जहाँ हम कोडिंग करते हैं, तो सॉरी जहाँ हम डिजाइनिंग करते हैं अपनी लेआउट की। सबसे पहले तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ। आपको ये आइडिया तो होगा कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट नजर आ रहा है। यहाँ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बेसिकली। तो करना क्या है, मुझे कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये मैं हटा देती हूँ। लेकिन हेलो वर्ल्ड हटाने से पहले ये बात आप एक गौर से देखें कि यहाँ पे देखें, जब मैं इस पे माउस लेके जाती हूँ इसके साइड्स पे, इनको टाइट करा हुआ है स्क्रीन के साथ। ये देखें, इसको यहाँ पे फिक्स करा हुआ है इसकी हेल्प से कि इसको स्क्रीन के साथ फिट करा हुआ है, बाउंस के साथ फिट करा हुआ है। अगर मैं ये बाउंस हटा दूँ तो क्या हो, ये हम अभी इसको फुली डिलीट करते हैं, फिर आप देखिएगा। जैसे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें मेरा मैं इनपुट देना चाह रही हूँ और आउटपुट देखना चाह रही हूँ, वो मैंने ले लिया प्लेन टेक्स। ठीक है, ये मैंने प्लेन टेक्स्ट ले लिया और एक दो बटन ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ओके, लेट मी सिलेक्ट माय मोबाइल डिवाइस। ओके, इट्स सिलेक्टेड, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। ओके, जैसे ही मैं इसको रन करूँगी, लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन। ये मैंने इसको रन कर दिया है। ओके, आफ्टर रनिंग मेरे पास कैसा आउटपुट आएगा, ये देखें, ये आउटपुट में सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ये मेरी बेसिक कैलकुलेटर जो मैंने नेम रखा था सेव का। और देखें, 3 बटन्स होने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 1 बटन आपको नज़र आ रहा है। आपको ये सिर्फ 1 बटन यहाँ क्यों नज़र आ रहा है, इसका रीज़न यह है कि आपने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जैसे हेलो वर्ल्ड रिस्ट्रिक्ट था। देखें, अगर मैं यहाँ में लेकर आऊँ तो यहाँ ये यहाँ से
स्टक नहीं है यहाँ, ये यहाँ से स्क्रीन के साथ फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माउस लिख रहा हूँ इसको स्क्रीन के साथ फिक्स कर दूँ, फिर से मैं पीछे लेके आई, फिर मैंने इसको यहाँ से स्क्रीन के साथ फिक्स कर दिया। अच्छा यही काम मैंने इस बटन के साथ किया। यही काम मैंने इस बटन के साथ किया। ठीक है, यही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ करती हूँ। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आप जस्ट यहाँ माउस लेके जाएंगे और उसको ड्रैग कर देंगे, फिर आप वापस लेकर आएंगे, फिर आप माउस को यहाँ लेके जाएंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, फिर जिस पोजीशन पे भी आप रखेंगे ना, वहाँ से फिर वो चीज़ हिलेगी नहीं। ठीक है, अब मैंने बटन्स को कुछ ऐसे सेट करा है, तो आप बताएं क्या अब क्या होगा। जस्ट थिंक कि क्या होगा। एंड आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन, आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन, फिर देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। ओके, आई एम प्लेइंग इट। ये देखें, अब भी आउटपुट में क्या है कि जहां मैंने नेम को फिक्स किया था वहां नेम तो फिक्स आ रहा है, बिल्कुल उसकी जगह पे आ रहा है जहां मैंने किया था फिक्स, लेकिन ये बटन सारे फिर से ओवरलैप हो गए। क्यों? इसकी वजह ये है कि आपने इसकी टू साइड्स को तो फिक्स कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग टू साइड्स थी वो तो आपने फिक्स करी ही नहीं। तो अगर मैं इनको ऐसे फिक्स करूँ, फॉर इंस्टेंस ये मेरा बटन वन है, ठीक है, ये मेरा बटन टू है, ये मेरा बटन थ्री है। अगर मैं इनको ऐसे फिक्स करूं कि बटन वन इस स्क्रीन के साथ टाइट हो, इस लाइन में आए, फिर बटन वन को बटन टू के साथ फिक्स कर दूं, बटन टू को बटन थ्री के साथ फिक्स कर दूं। लेकिन सिंपली आपको यहाँ पे माउस रखना है, इसको आगे ले जाके उसके साथ फिट कर देना, वापस उसकी जगह पे ले आए। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब अगर मैं रन करूंगी तो जैसे ये है वैसे ही मुझे मेरी आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगा, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया। लेकिन फिर मसला क्या है कि क्योंकि ये ऊपर किसी चीज के साथ फिक्स नहीं है, तो फिर ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए ऊपर मैंने इसको इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ फिक्स कर दिया। दो तीनों बटन्स को ठीक है, ये ऊपर चले आते हैं, इसे घबराना नहीं है, तो उसको फौरन नीचे लेकर आ जाना, कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स जस्ट चेक अब क्या होगा। ठीक है, यू जस्ट अज्यूम कि क्या होना चाहिए और फिर देखें जो आपको लग रहा था वही हुआ या नहीं। लेट मी रीप्ले इट। ओके, देखिए अभी भी वही मसला आ रहा है। ये मसला अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी थ्री साइड्स तो फिक्स कर दी, लेकिन फोर्थ साइड फिक्स नहीं करी, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ, ये सब बताने का मकसद ये है कि जब मैन्युअली आप कैलकुलेटर बनाएंगे तो आप हर बटन की हर साइड को किसी ना किसी चीज़ के साथ फिक्स करेंगे, ताकि वो अपनी उसी जगह पे रहे जहाँ आप चाहते हैं। अगर आप उसकी चारों की चारों साइड्स का फिक्स नहीं करेंगे, तो फिर वो बटन ओवरलैप हो जाएंगे जब आप रन करोगे तो। ठीक है, देखें इसकी चारों साइड फिट हैं, इसकी देखें ये फिक्स है, उसके साथ ये भी फिक्स है, राइट। लेट मी रन दिस अगेन ताकि मैं देख सकूं, लेट मी टर्मिनेट द इनिशियल वन एंड आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन। ओके, इट्स बिल्डिंग। ओके, सो फाइनली मेरा आउटपुट ऐसा आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने चारों साइड्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस वजह से मैंने लिंक करने की वजह से मैंने देख लिया कि अब मेरा आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमें एक कैलकुलेटर का डिज़ाइन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले तो मेरा एक इनपुट और आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मैं इसका नेम दूंगी, जिस जो एक जैसे कि आप वेरिएबल्स यूज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जब आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को रेफर करना चाहेंगे कि जब इस टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट आए, तो वो जैसे आप वेरिएबल को नेम देते हैं, बिल्कुल वो नाम देते हैं कि जब भी आप इसको रेफर करेंगे अपनी कॉटलन फाइल में, तो इनपुट के नाम से करेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी आईडी का नेम दे दिया इनपुट, रिफैक्टर करते हैं। ठीक है, फिर मैंने जब इसकी आईडी का नेम दे दिया इनपुट, तो मैं नहीं चाहती इस पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो नीचे जाके मैंने इसके टेक्स्ट को एम्प्टी कर दिया। एंटर करूंगी, इसका टेक्स्ट एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा, आप कैलकुलेटर किस तरह से बनता है? पहले होता है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, टिल देन नंबर नाइन एंड जीरो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैं बटन पुट करती रहूंगी। तो पहले बटन वन होगा, तो मैं इस बटन को नेम दे सकती हूँ।
जैसे btn_1, ठीक है, और ये 1 नंबर के लिए रिफैक्टर करते जाएं, और ये 1 नंबर के लिए, तो इसको आप इसमें क्या लिखेंगे, इसके टेक्स्ट में आप नीचे जाके इसका टेक्स्ट कहाँ है, ये रहा इसका टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में आप इसकी प्रॉपर्टीज में 1 लिख देंगे तो इसमें 1 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये है इसका नेम, इसकी आईडी, इसकी जो आईडी है, जिस आई ये आईडी वो उस ये आईडी का बिहेवियर बिल्कुल उस वेरिएबल जैसा है जिस जिसमें आप चीज़ें अपडेट करते हैं, जैसे वेरिएबल में आप इनपुट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये आईडी जो है एक वेरिएबल की तरह काम करेगी, अगर इसको आप समझने की हद तक समझें तो, कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या एक्शन हो, तो इस बटन को आप रेफर इस नेम से करेंगे जो कि इसकी आईडी होगी, ठीक है। रिफैक्टर करते जाएं, और इसका टेक्स्ट में 2 करना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैं टेक्स्ट में जाके बटन हटा के लिख दूंगी 2, ठीक है। तो यहाँ इसका टेक्स्ट 2 आ गया, बिल्कुल उसी तरह मैं टेक्स्ट बॉक्सेस रखती जाऊंगी और इसको सीक्वेंस में नंबर्स की फॉर्म में लिख दूंगी, और इसके अलावा एट द एंड एक बटन लगाऊंगी, और वो बटन होगा, लेट मी पुट दिस बटन एट द एंड, मुझे रीसेट का बटन लगाना, लेट मी रीनेम इट एज रीसेट और आर, ठीक है। इक्वल्स टू का बटन भी आपको चाहिए, सारी कैलकुलेशन जो होगी वो इक्वल्स टू की बटन पे होगी, और क्या बटन्स चाहिए नंबर्स के अलावा, और हमें नंबर्स के अलावा और बटन्स किस चीज़ के चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको सारे नंबर्स को, सारे बटन्स को अरेंज करना है, किस तरह से अरेंज करना है कि वो आपस में इधर उधर ना जाएं, और इधर उधर नहीं जाने कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है कि आप टाइट कर दें नंबर्स को और बटन्स को, जैसे ये 1 2, इसका मैं 3, और आईडीज की हो जाएगी button_3, और इसके अलावा सबसे ऊपर और एक और बटन आएंगे, ये प्लस के लिए आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस के लिए आ जाएगा, ये स्टैरिक के लिए आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्लैश यानी डिवाइड के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको इस पूरे को अरेंज करना है, राइट। लेट मी अरेंज इट सो क्विकली सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली वैसे करिएगा, ओके। सो कुछ इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास, लेट मी जूम इट, सबसे फर्स्ट लाइन में आपने अपने रख दिया टेक्स्ट बॉक्स जिसमें इनपुट और आउटपुट देख रहे होंगे, देन इसमें आपने बटन्स रख दिए और इक्वल्स टू का बटन रख दिया और रीसेट का बटन रख दिया, ऑपरेशंस के बटन रख दिया, ठीक है। इसका कलर चेंज बिल्कुल हो सकता है, अगर आप प्लस के प्लस माइनस डिवाइड को कोई आपको और कलर देना चाहें तो सिंपली इस पे टच, जब आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको बैकग्राउंड टिंट नजर आ रहा है, तो इसको आप चेंज करके पिंक कर दें, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर भी आप चाहें, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड कलेक्शन ऑफ कलर्स, वट एवर। सो इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने जब ये बटन्स लिए होंगे, तो देखें इसको आपने स्क्रीन के साथ टाइट करा, फिर इस प्लस के साथ टाइट करा, फिर प्लस और स्टैरिक, प्लस को स्टैरिक, माइनस को स्टैरिक के साथ, और स्टैरिक को डिवाइड के साथ टाइट करा, फिर उसको स्क्रीन के साथ टाइट कर दिया, और इन सबको ऊपर लिंक कर दिया इस टेक्स्ट बॉक्स में। फिर जब हमने इक्वल टू का बटन लिया तो इसको दोनों साइड की स्क्रीन से टाइट करा और ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के साथ, देन ऑल गोस विद ऑल द डिजिट्स एज वेल, कि आपने हर डिजिट को एक दूसरे के साथ टाइट कर दिया ताकि वो स्क्रीन से आगे पीछे ना जाए, ठीक है। ये सब करने के बाद दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट आपको करना है कि आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसकी आईडी पे जाके आपने उसको बटन ऐड का नेम दिया हुआ है, माइनस को button_subtract का, स्टैरिक को button_multiply का, स्लैश को button_divide का, राइट। सो ये आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो कि आपको नेम असाइन करने हैं, और बट ताकि और ऐसे नेम हो जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जब मैं button_1 लिखती हूँ तो मुझे पता है कि मैं इस बटन की बात कर रही हूँ जिसको मैं 1 कंसीडर कर रही हूँ, मतलब 1 ही ऐड हो, 2 ऐड ना हो जाए, ठीक है। तो बटन शुड बटन द नेम ऑफ द बटन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बिकॉज दे आर एक्चुअली द आईडीज जिसकी हेल्प से आप अपने कॉटलन के कोडमेन को रेफर कर रहे होंगे कि जब बटन पे टच हो तो क्या हो, ठीक है, जब रीसेट पे टच हो तो क्या हो। तो मैंने इस बटन का नेम ही btn_reset कर दिया, ना कि button_2 button_3, राइट। तो फाइनली आर लेआउट इज रेडी, जैसे ही आप ये लेआउट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली, और इसके कलर सेट करेंगे ऑटोमेटिकली, इसके अकॉर्डिंग आपका कोड खुद ही जनरेट हो जाएगा, आपने जो भी आईडीज असाइन करी हैं वो आईडीज भी खुद ही यहाँ कोड में जनरेट हो जाएंगी, ठीक है, एज इट इज सिंक्ड, ठीक है। फिर बात आती है हमारी
मेन एक्टिविटी डॉट के टी की, जहाँ हम एक्चुअली कॉटलिन का कोड लिखने जा रहे हैं. ठीक है, जब हम कॉटलिन का कोड लिखने जा रहे हैं, तो लेट मी जस्ट टाइप द कोड एंड डायरेक्टली एक्सप्लेन इट टू यू. यहाँ हम ऊपर ये जो हमारी इम्पोर्ट है, इसमें हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्ट कराते हैं. वो क्या है? वो एक्चुअली आपको इनेबल करेगी कि आपने जो तीन प्लगइन्स यूज़ करे हैं उनको आप यहाँ यूटिलाइज कर सकें. वो क्या है? वो है, आपको इम्पोर्ट करना है कॉटलिन एक्स डॉट एंड्रॉइड डॉट सिंथेटिक डॉट मेन एंड डॉट एक्टिविटी मेन. ठीक है, ये आपको कर लेना है इम्पोर्ट. राइट, ये इम्पोर्ट करने के बाद वी जस्ट राइट इट ओवर हेयर. ओके, ये इम्पोर्ट करने के बाद आपको ये क्या करना है? ये इम्पोर्ट करने के बाद आपको ये काम करना है कि आप एक्चुअली किस पे आएंगे, फिर आप ऑन क्रिएट पे आएंगे. ऑन क्रिएट क्या है कि आप जब किसी बटन पे क्लिक करें तो क्या हो? अब मैं एक क्लास ऐड करूँगी ताकि मेरे किसी भी बटन पे क्लिक हो तो वो क्या करे, वो एक इवेंट लॉन्च कर दे या वो फंक्शन पे चली जाए जिस फंक्शन के अगेंस्ट मुझे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है जब भी क्लिक हो तब. और वो क्लास में कहाँ एंटर करूँगी? वो क्लास में यहाँ एंटर करूँगी. लेट मी जस्ट जूम इट. ओके, इट्स जूम नाउ. ओके, आपको क्या करना है? आपको क्लास ऐड करवानी है व्यू डॉट. ओके, वो व्यू पे क्या एरर दे रहा है? वो पे कह रहा है कि ऐसी कोई क्लास नहीं है. तो हम क्या करेंगे फिर? इसका क्या हल है? इसका भी हमारे पास एक हल होता है कि जब भी वो इस तरह से एरर दे तो आप देखें इस पर, अगर आप माउस लेके जाएंगे ना तो वो पूछ रहा है कि क्या आपको, आप उस क्लास की बात कर रहे हैं जो व्यू की क्लास है, तो आप ऑल्टर एंटर कर दो. जैसे ही मैं ऑल्टर एंटर करूंगी, भी मैंने किया नहीं है, जैसे ही मैं करूंगी आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे इम्पोर्ट की जगह पे क्लास इम्पोर्ट होकर आ जाएगी. ठीक है, तो देखें आई जस्ट प्रेस ऑल्टर एंड एंटर. तो यहाँ पे देखेंगे क्लास इम्पोर्ट होकर आ गई और मेरे पास से एरर हट गया. ठीक है, अब मैं इस क्लास को क्यों करवा रही हूँ? मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जैसे ही ऑन क्लिक लिसनर को एक्टिव कर दें और वो कोई भी काम परफॉर्म करना शुरू कर दे. ठीक है, अब मैं क्या काम करवाना चाह रही हूँ? उस काम के लिए मुझे थ्री वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, एक तो मेरा वो वेरिएबल जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर कराऊंगी, जिसको मैं फ्लोट टाइप का रख रही हूँ. दूसरा मेरा वो वेरिएबल जो रीसेट कर दे जो भी आउटपुट मुझे नज़र आ रहा है. तीसरा मैं वही वेरिएबल ले रही हूँ ऑपरेटर का, जिसको मैं स्ट्रिंग टाइप का ले रही हूँ. और ऑपरेटर मेरे क्या होंगे? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. ओके, सो जितने भी बटन्स मैंने लिए हैं अपने एग्जाम्पल के डिज़ाइन में, उन बटन्स के अलावा मुझे अपनी मेन एक्टिविटी में जो ज़रूरत पड़ेगी वो थ्री वेरिएबल्स की पड़ेगी. जो कि हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट जहाँ सेफ होगा, एक रीसेट का कि जो भी इनपुट स्क्रीन पे वो खाली हो जाए, और एक मेरा ऑपरेटर होगा जिसमें प्लस माइनस डिवाइड होगा कि अभी कौन सा सिलेक्टेड है. ठीक है, आफ्टर दैट जो मेरी ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस है उसने मैं सेट कंटेंट व्यू करूंगी कि रिसोर्स में, ये देखेंगे आपको रिसोर्सेस यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये रिसोर्स में जाके जो मेरी लेआउट है उसके अंदर से एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन में जो कुछ भी है उन सब पे आप ऑन क्लिक लिसनर्स लगा दें. सेट ऑन क्लिक लिसनर्स क्रिएट कर दें बटन वन पे, बटन टू पे, बटन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जीरो, देन बटन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, बटन इक्वल और बटन रीसेट. तो जितने भी बटन्स थे उसमें आपने सब पे ऑन क्लिक लिसनर्स लगा दिए जो आपको इनेबल करेंगे कि उन बटन्स को डायरेक्टली आप यहाँ यूज़ कर सकें. देखें अगर मैं यहाँ पे वो प्लगइन्स नहीं लगाती एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, तो मैं यहाँ इन सारे बटन्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती थी. मुझे बकायदा पूरा लिखना पड़ता फाइंड बाय व्यू करके ना, ये लिखना पड़ता कि बटन जो भी है उसको फाइंड बाय व्यू आईडी करें. ठीक है, जो कि एक हर बटन के लिए करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, और वो हमें कोड में बार बार करना पड़ता हर बटन के लिए. तो उस मुश्किल को आसान कर दिया उन तीन प्लगइन्स ने जो हमने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में ऐड करे थे, और डायरेक्टली हमने यहाँ पे सारे बटन्स को बाय देयर नेम्स यूज कर लिया. ऑल्सो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक फंक्शन बना रहे, हम ये फंक्शन दे रहे हैं किस क्लास का? व्यू की क्लास का. ठीक है, व्यू एक ऐसी क्लास है जिसमें एक्सएमएल फाइल में जितने भी बटन, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी रेडियो बटन, जो कुछ भी स्टाइल है वो सब इस क्लास में इनकॉर्पोरेटेड है. तो जब मैं कहती हूँ कि व्यू बाय आईडी करो, और क्या देखो कि व्यू बाय आईडी की वैल्यू क्या है, तो वहाँ आप ये देखेंगे, ये देखें वैन आपने एक तरह का स्विच है
फर्स्ट केस में लिखेंगे कि क्या रिसोर्स के अंदर जो आईडी है, अगर बटन वन पे क्लिक है तो ये काम करें, अगर बटन टू पे क्लिक है तो ये काम करें, अगर बटन थ्री पे क्लिक है तो ये काम करें। अब काम क्या करना है, जब बटन वन पे क्लिक हो तो अब देखिए ना, उसको आपने नाम वन दिया हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, आपने उसको वन नेम दिया हुआ है। तो होगा क्या, ये आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो उस स्ट्रिंग को आप वैल्यू के वेरिएबल में सेट करा दें, फिर उसको क्या करा दें, इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट वैल्यू, के जो आपका इनपुट है, देखिए इनपुट क्या है, इनपुट आपका ये बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ डिजाइन में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स है इसकी आईडी इनपुट है। तो ये जो इनपुट वाला आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें वो वन नजर आना शुरू हो जाए अगर यूजर ने वन क्लिक करा है तो। यही काम आपने टू पे कराया है कि अगर टू चेक हो रहा है, अगर टू पे टच हो रहा है तो आप क्या काम करें, उस एक वेरिएबल ले लें वैल्यू का, उसमें टू सेव करा दें और उस वैल्यू को इनपुट पे शो करवा दें, ठीक है। जो टेक्स्ट नजर आए वो टू का टेक्स्ट नजर आए, ठीक है। सो यही काम आपको थ्री के लिए भी करना है, फोर के लिए भी करना है, फाइव के लिए करना है। अब ये थ्री लाइन से पहले एक लाइन लिखी हुई है चेक रीसेट की, चेक रीसेट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। और आपको पता है मैंने एक इनिशियली एक वेरिएबल लिया है रीसेट का, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट किया है टू पे। अब चेक रीसेट का फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो इफ की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो ये कुछ भी नहीं करेगा और वापस से यही रिटर्न हो गया। सही, वापस से यही रिटर्न हो गया। अब इस कोड को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कोई एग्जांपल लें, ताकि आपको ये कोड बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि मुझे ऐड करना है वन प्लस एट इक्वल्स टू नाइन, ठीक है। जब आपको ये करना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है, हमारा कोड ये रहा एक्सएमएल, ये जो हमारी एक्सएमएल की स्क्रीन है, इसमें सबसे पहले आप वन पे टच करेंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है हमारा कोड, हमारा कोड ये कह रहा है कि सबसे पहले जैसे ही वन पे टच हो तो ये वन वाला बटन एक्टिव कर दो, और वन वाला बटन जैसे ही एक्टिव करो तो चेक रीसेट करो। चेक रीसेट कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, वो रिटर्न कर जाएगा। फिर वैल्यू के वेरिएबल में वन सेट कर दें और इनपुट को सेट टेक्स करवा दें। मतलब होगा क्या, जब आप ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें अपने इनपुट पे, ये जो हमारा हमारा जो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, उस टेक्स्ट बॉक्स पे हमें वन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। चले, अब तक हमारा ये काम हो गया। अब बारी आती है प्लस की। जैसे ही प्लस पे क्लिक होगा तो ये जो हमारी एग्जाम्पल फाइल है, यहाँ ये है प्लस, जैसे ही इस प्लस पे क्लिक होगा तो हम किस केस में चले जाएंगे, बटन अंडरस्कोर एड के केस में। बटन अंडर स्कोर एड का केस कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इस चेक इसमें आके फिर से हम चेक रीसेट करेंगे, चेक रीसेट बाय डिफॉल्ट टू है, वहां जाके फॉल्स होगा, कुछ भी नहीं करेगा। फिर वही देखेगा कि क्या इनपुट डॉट टेक्स कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो इनपुट डॉट टेक्स में क्या लिखा हुआ है, वन है, एम्प्टी नहीं है। वो कहता है अगर एम्प्टी नहीं है तो डू ऑपरेशन के फंक्शन को कॉल करो। तो अब हम डू ऑपरेशन के फंक्शन को कॉल करके डू ऑपरेशन पे आ गए। जब हम डू ऑपरेशन पे आ जाते हैं तो वो भी पहला चेक यही करे कहीं इनपुट का टेक्स एम्प्टी तो नहीं है। अगर इनपुट का टेक्स एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि वेन ऑपरेटर, वेन में मतलब स्विच केस में आपने ऑपरेटर पास करवा दिया एज अ केस, और आपने देखा ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो अभी तक तो मैंने ऑपरेटर कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, ऑपरेटर का वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। तो ऑपरेटर का वेरिएबल क्योंकि एम्प्टी है तो ना प्लस वाला केस सेटिस्फाई हुआ, ना माइनस वाला, ना स्टैटिक वाला, ना स्लैश वाला। तो मैं आ गई एल्स में, और एल्स में मैंने क्या करा, जो मेरा एफ रिजल्ट का वेरिएबल है उसमें मैंने कहा कि जो भी इनपुट वाले टेक्स्ट बॉक्स में है वो डाल दो इसमें, और उसको कैसे कर डालो, फ्लोट में कन्वर्ट करके डालो। तो अब मेरे पास एफ रिजल्ट के वेरिएबल में 1.0 आ गया, क्योंकि पहले से स्क्रीन पे 1.0 है, ठीक है। अब ये डू ऑपरेशन रिटर्न कर जाएगा, डू ऑपरेशन ने अपना काम कर लिया रिटर्न करके बटन अंडर स्कोर सॉरी बटन अंडर स्कोर एड पे आ गया, ये डू ऑपरेशन का फंक्शन। अब ऑपरेटर में वो डाल रहे हैं प्लस, तो अब ऑपरेटर के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, अब ऑपरेटर के वेरिएबल में आ जाएगा प्लस। जब ऑपरेटर के वेरिएबल में प्लस आ जाता है, उसके बाद वो दूसरा काम क्या कर रहा है कि इनपुट डॉट सेट टेक्स,
ठीक है, इनपुट डॉट टेक्स्ट है एम्प्टी, मतलब स्क्रीन पे मेरे अब कुछ भी नहीं आएगा, स्क्रीन मेरी हो जाएगी खाली, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्क्रीन पे वन लिखा हुआ नहीं आएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, प्लस को आप क्लिक कर चुके हैं, अब आपको क्या दूसरा काम करना है, ठीक है, स्क्रीन पे आपके पहले प्लस लिखा हुआ आया, उसके बाद प्लस गायब हो गया, फिर आप दूसरा काम क्या करें, आपने कोई दूसरा इनपुट देना है ना, अब आप दूसरा इनपुट आपने दिया एट, तो बटन अंडर स्कोर एट पे चला जाएगा। बटन अंडर स्कोर एट कहाँ है हमारे पास, ये रहा बटन अंडर स्कोर एट, वो क्या कह रहा है, चेक रीसेट, चेक रीसेट तो अभी तक ट्रू ही है, फॉल्स हुआ कुछ भी नहीं किया। अब वो कह रहा है इनपुट डॉट सेट टेक्स इनपुट डॉट टेक्स डॉट टू टू स्ट्रिंग प्लस एट, कि अगर एट वाले बटन पे क्लिक हो तो इनपुट वाले स्क्रीन पे आप एट सेट करते हैं, ठीक है, पहले वन सेट हुआ वो गायब हुआ, फिर प्लस सेट हुआ वो गायब हुआ, फिर एट सेट हुआ, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर आपने जैसे ही इक्वल्स टू पे टच करेंगे ना आप लोग, तो कौन सा इवेंट कॉल हो जाएगा, कौन से केस में आ जाएंगे हम, बटन अंडर स्कोर इक्वल वाले केस में आ जाएंगे। बटन अंडर स्कोर इक्वल पहले ही आते ही सबसे पहले कहेगा डू ऑपरेशन का फंक्शन कॉल करें, और आपको डू ऑपरेशन के फंक्शन पे ले जाके दिखेगा कहीं मेरी स्क्रीन एम्प्टी तो नहीं है, तो स्क्रीन एम्प्टी नहीं है, उस पर एट है, अगर नहीं है तो आप देखें ऑपरेटर में क्या है। तो अब ऑपरेटर में आपको अच्छी तरीके से पता है, अब ऑपरेटर में जो वैल्यू है वो है प्लस की, ठीक है, तो आप इस वाले केस में आ जाएंगे, और इस वाले केस में आप ये कह रहे हैं कि एफ रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू इनपुट डॉट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग डॉट फ्लोट, जो भी इनपुट डॉट टेक्स में है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो और एफ रिजल्ट में ऐड कर दो। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ होता है आई प्लस इक्वल्स टू टू, इसका मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू, मतलब आई की जो पुरानी वैल्यू है उसमें ये न्यू वैल्यू ऐड करो, और जो न्यू वैल्यू है वो आई वैल्यू है वो आई में ही सेव करा दो। बिल्कुल उसी तरह ये एफ रिजल्ट क्या कह रहा है कि एफ रिजल्ट की जो पुरानी वैल्यू है वो रीसेंट वैल्यू में ऐड कर दें, और जो भी रिजल्ट आया वो एफ रिजल्ट में ही सेव करा दें। तो एफ रिजल्ट में पुरानी वैल्यू क्या है 1.0, रीसेंट वैल्यू क्या है 8, और 8 को किस में कन्वर्ट करना है फ्लोट पे, तो 1.0 8.0 में ऐड होगा और मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा 9, ठीक है, बिल्कुल यही फ्लो प्लस के लिए जो है वही माइनस के लिए, वही मल्टीप्लाई के लिए, वही डिवाइड के लिए, बट लेट अस फिनिश, अभी तक हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, डू ऑपरेशन करके अभी हमने 9 को दिखाया नहीं है स्क्रीन पे, ठीक है, डू ऑपरेशन करके हमारा मेन काम क्या हुआ है कि एफ रिजल्ट में हमारे पास 9.0 आ गया है जो कि अभी तक स्क्रीन पे नजर नहीं आया, ठीक है, फिर हम जाएंगे बटर अंडरस्कोर इक्वल में जहां से ये एफ ये डू ऑपरेशन कॉल हुआ था, बटन इक्वल ये कह रहा है कि अब जो एफ रिजल्ट में है, अब जो एफ रिजल्ट में है उसको स्क्रीन पे दिखा दो, और जो ऑपरेटर प्लस पे सेट हुआ हुआ है उसको एम्प्टी कर दो, जो एफ रिजल्ट 9 पे सेट हुआ हुआ है या जो भी सेट हुआ हुआ है उसको 0 कर दो। देखे ना यहाँ आपने इनपुट स्क्रीन पे दिखा दिया, यहाँ जैसे आप पहुंचे अब आपका 9 यहाँ इनपुट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऑपरेटर को एम्प्टी कर दें, एफ रिजल्ट को 0 एफ कर दें, और जो भी रीसेट है उसको कर दें फॉल्स। अब देखिए अब रीसेट फॉल्स हो गया ना, तो जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगी, क्योंकि देखिए ना जब मुझे माइनस करना है अब इस प्लस के बाद, तो मैं फॉरन रीसेट करूंगी, तो रीसेट की वैल्यू अब ट्रू से क्या हुई भी है फॉल्स, तो फॉरन रीसेट के फंक्शन में आएंगे हम, और वैल्यू फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी, और जो भी मेरा स्क्रीन पे इनपुट नजर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं रीसेट की वैल्यू ट्रू करके इस फंक्शन से बाहर आ जाऊंगी, राइट। तो लेट अस रन दिस कोड इस बिल्डिंग, ओके, क्योंकि हमने कलर चेंज कर दिया तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब वही एग्जांपल करते हैं कि वन वन लिखा, अब जैसे देखें जैसे मैं प्लस क्लिक करूंगी वन गायब हो जाना चाहिए, जैसे कि हमने कोड में लिखा था, मैंने प्लस क्लिक करा तो वन अब नहीं है, तो ऑपरेटर में क्या चला गया प्लस, अब मैंने क्या क्लिक करा एट, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मेरे मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, एट के बाद मैं जैसे ही इक्वल्स करूंगी तो एट गायब हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा मेरे पास, आउटपुट क्या आ रहा है 9.0, 9.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो एफ रिजल्ट है वो फ्लोट टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल यही काम, बिल्कुल यही फ्लो माइनस के लिए भी है, यही फ्लो मल्टीप्लाई के लिए भी है, और यही फ्लो डिवाइड के लिए भी है, राइट, जैसे करके देख लेते हैं 4 - 2, राइट, 8 / 2, 4, राइट, 2 / 3, 6, सही है,
तो इस तरह से वर्क करेगा, सेम फंक्शनैलिटी है, जैसे प्लस की फंक्शनैलिटी है वैसे मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा देंगे, माइनस में आप माइनस का ऑपरेटर लगा देंगे, और डिवाइड में आप डिवाइड का। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं आपको आपसे कहूँ कि क्या ये यूजर फ्रेंडली है, तो आप कहेंगे नहीं, जब मैं वन क्लिक करती हूँ करता हूँ या करती हूँ तो ये वन यहाँ लिखा ही रहे, उसके बाद उसके आगे प्लस लिखा हुआ है, उसके आगे फिर थ्री जो भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो लिखा लिखा हुआ है, और जब मैं इक्वल टू दबाऊँ तो वो वन और थ्री वहीं लिखा हुआ रहे, वहीं लिखा रहे और मुझे आंसर कहीं और लिखा हुआ नजर आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, और मैं बचना चाह रहा हूं कि इस तरह की लेआउट ना हो, लेआउट थोड़ी अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम कैसा कैलकुलेटर बनाएंगे, हम इस कैलकुलेटर की जगह थोड़ा यूजर इंटरैक्टिव कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, जो कि ऐसा ना हो, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो। और वो कैलकुलेटर कैसा होगा, वो कैलकुलेटर हम बनाना चाह रहे हैं ऐसा, लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल। देखें, ऐसा कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं हम जो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो, जिसमें मैं वन प्लस नाइन करूँ तो वो अलग से लिखा हुआ है, उसका आंसर नीचे लिखा हुआ। ठीक है, और ये भी कर सकूँ कि मैं वन प्लस नाइन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वट एवर, ठीक है, और इक्वल्स टू करूँ तो मेरे पास आंसर एट द एंड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ मोर यूजर फ्रेंडली, इट इज़ मोर यूजर इंटरेक्टिव, और इसकी जो आप ग्राफिकल इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लेआउट का कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, हम लेआउट के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस डिस्कशन। हमने जितनी भी कोडिंग करी है उस सब का लिंक आपके पास मैं ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप ये कोड जस्ट यूज़ कर सकते हैं और बेसिक कैलकुलेटर बना के देख सकते हैं। देन उसको यूज़र इंटरेक्टिव कैसे बनाना है, कैसे उसका गुई इम्प्रूव करना है, वो हम तब समझ सकते हैं जब हमें लेआउट्स पता हो। तो इट्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।